एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम एनडीए से जुड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने किसान परिवार से जुड़े व्यक्ति जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने कानूनी रूप से कमजोर वर्ग के आवाज को प्राथमिकता दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जगदीप धनखड़ देश के कानून मंत्री से लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जैसे पदों पर कार्यरत रहे हैं और आने वाले दिनों में वे ऐतिहासिक बहुमत के साथ देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। और इसको बधाई देता हूं युवा इकाई को, जिनने आज एक अनोखी पहल फरीदाबाद में करी है, जहां गरीब परिवारों के खासतौर पर जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल की ओर भेजना भी नहीं चाहते, वैसे परिवारों के 50 बच्चों को पांचवीं तक की शिक्षा प्राइवेट स्कूल में मिले, आज गोद लेने का काम किया है। शिक्षा का खर्च ये अपनी शिक्षा की चाबी एनजीओ के माध्यम से आगे ले जाने का काम है। और मैं ये मानता हूँ कि वो 50 परिवारों का भविष्य सुधारने का भी काम ये मुहिम। आम आदमी पार्टी ने विभिन्न जोन के सोशल मीडिया के पदाधिकारियों की घोषणा की। आप हरियाणा के प्रभारी एवं दिल्ली से पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता के निर्देश पर सोशल मीडिया हरियाणा में मुख्य नियुक्तियां की गई, जिसमें पंचकुला निवासी भूषण मित्तल को उत्तरी जोन का अध्यक्ष बनाया गया, मुकेश वर्मा को दक्षिण जोन, कुलदीप शर्मा को मध्य जोन का अध्यक्ष बनाया गया। इनके साथ साथ राजकुमार को उत्तरी जोन का उपाध्यक्ष, धीरज शर्मा को उत्तरी जोन का महासचिव, मनीष राजपूत उत्तरी जोन सचिव, यश वर्मा को उत्तरी जोन सह सचिव व ललित कुमार बंसल को उत्तरी जोन का ग्राफिक डिजाइनर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य